हेलो मैम, मैं दिव्या टमको प्रोडक्ट्स की तरफ से आई हूँ। हमारी कंपनी ने मार्केट में अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये देखिए टमको वॉशिंग पाउडर। कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। हाँ जी हाँ, इसी प्रोडक्ट का डेमो देने आई हूँ मैं। हाँ मैम, ये एक प्रोडक्ट आपकी दुनिया बदल देगा, क्योंकि ये है टमको वॉशिंग पाउडर। कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। जी हाँ, आई एम श्योर एक डेमो देखते ही आप इस प्रोडक्ट को खरीद लेंगी। मैम, ये सारे दाग धो सकता है, तेल, पान, कलर का धब्बा, सब कुछ 5 सेकंड में गायब। सफेदी ऐसी कि कपड़े नए से लगने लगते हैं, क्योंकि ये है टमको वॉशिंग पाउडर। कपड़े चमकाए, चेहरा खिलाए, टिंग टोंग। तो बताइए, दिखाऊं डेमो? अब आप यहीं रुकिए, मैं घर में से किसी को बुला कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मुझे इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है, मैं अभी आई। हाँ आपको। अरे पिताजी, भैया, भाभी, दादी, जल्दी आओ। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? क्या हुआ भैया? सांप ने काट लिया। क्या हुआ देवर जी? ये कौन है? अरे कौन है, कहां से आई है, ऐसा मुझे ना पता। मैं तो कसरत कर रहा था, लंबा सा सांप आया, मुझे काटने वाला था, एकदम से बीच में आ गई, सांप को उठा लिया। मैं तो बच गया, लेकिन सांप ने इसे डस लिया। जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। हाँ माँ। अरे कोई फायदा ना है दादी, 4 दिन के लिए बाहर गए हैं डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर भी ना काम कम करता है, घूमता ज्यादा है। इसे कहते हैं सही वक्त की सही चाल। दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक नागिन पर जहर असर कर रहा है। हमारा ये नाटक जरूर कामयाब होगा, और वही होगा जैसा हम चाहते हैं। अरे माँ, सब कुछ करके देख लिया, छुरी को होश ना आ रहा। दादी, इसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं चैन से जी ना पाऊंगा। समझ रही छोरा, समझ रही, लेकिन मारे में समझ में नहीं आ रहा कि के करे। अरे शहर के अस्पताल लेके चले। अरे ना ना छोरे, इतना वक्त ना है हमारे पास। एक छोरी की हालत देख, उसकी सांस से धीमी होती जा रही है, अगर रास्ते में कुछ हो गया तो। इच्छा, इच्छा कहाँ है? भूल से बचा सकती है। अरे इच्छा कैसे बचाएगी, वो डॉक्टर थोड़ी ना है। भैया वो डॉक्टर नहीं, लेकिन सांपों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आपको याद है ना, जब सांप ने मुझे डसा था तो इच्छा ने ही जहर निकाला था। मुझे यकीन है वो उसका भी इलाज कर देगी। अब्बू, जा इच्छा को लेकर आ। जा, 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 जा।
है, भाग के जा। समझ में नहीं आ रहा वाकू, माँ और पिताजी मुझे अपना राज क्यों नहीं बता रहे? अच्छा, उनकी कोई तो मजबूरी होगी। वाकू ले, वाकू चुप जा। इच्छा, इच्छा, इच्छा जल्दी चलो, प्लीज जल्दी चलो। एक मिनट सांस तो ले ले। इच्छा इतना वक्त नहीं है, बाहर उसकी जान बहुत खतरे में है, उसे बचाना होगा, प्लीज जल्दी चलो। किसकी जान खतरे में है, किसको बचाना है, कहाँ जाना है, कुछ तो बता अप्पू। इच्छा बाहर एक लड़की आई है और उसे सांप ने काट लिया है, उसके शरीर में जहर बुरी तरह से फैल रहा है और डॉक्टर साहब 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। एक तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकती हो। अच्छा प्लीज मेरे साथ चलो, उसके शरीर में से जहर निकाल लो प्लीज। चलो जल्दी चलो। वाकू तुम भी ना, ऐसा अचानक सामने आता है क्या? अच्छा जल्दी चलो। अप्पू तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है जल्दी आना। हाँ अप्पू ने जो कहा है वो तुम करने की सोचना भी मत। नहीं वाकू, मुझे जाना तो पड़ेगा, किसी की जान खतरे में है, और ये जानते हुए कि मैं उसे बचा सकती हूँ और मैं वहाँ ना जाऊँ, ये तो गलत है ना? अच्छा तुम पागल हो गई हो, इस वक्त तुम्हारे शरीर में एक बूंद जहर नहीं है, ऐसे में तुम उस लड़की का जहर निकालोगी, मर जाओगी। ठीक है ना वाकू? ठीक नहीं है इच्छा। जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, मैं इच्छा बनकर जाता हूँ और जहर निकाल लेता हूँ। नहीं वाकू, जाऊंगी तो मैं ही। जिद मत करो इच्छा। मैं जिद नहीं कर रही वाकू, मैं बस माँ और पिताजी को उनकी जिद का अंजाम दिखाना चाहती हूँ। देख वाकू, यहाँ जो भी हो रहा है ना, तुझे वो सब नागिस्तान के लोगों को दिखाना है। जब वो अपनी सपोली को मरता हुआ देखेंगे तो मुझे यकीन है माँ और पिताजी अपना मुंह जरूर खोलेंगे। और अगर उन्होंने फिर भी अपना मुंह नहीं खोला तो? मैं समझ जाऊंगी उन्हें अपने सपोली की जान से ज्यादा अपना रास प्यारा है। इच्छा क्या कर रही हो, जल्दी चलो मर जाएगी। चलो। अरे इच्छा रुको, अरे मेरी बात तो सुनो इच्छा। हम जानते थे इच्छा कि तुम वहां जरूर आओगी, क्योंकि अच्छाई की लत बहुत बुरी लत होती है, कि लत अगर एक बार किसी को लग जाए तो छूटे नहीं छूटती। बबल जी, इच्छा इसे देखो, इसे सांप ने काट लिया, प्लीज। इच्छा इस वक्त तुम सिर्फ एक नाम की नागिन, तुम्हारे शरीर में जहर की एक बूंद भी नहीं, तुम जैसे ही विष्प्रीत का जहर चूसोगी वो जहर तुम्हारी जान लेना शुरू कर देगा। तुम्हारी अच्छाई ने हमेशा हर बार तुम्हें बचाया है ना, अब तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें ले डूबेगी। देखा दादी, मैंने कहा था ना, इच्छा कर लेगी। बिल्कुल सही कह रहा था तू छोटे, होश आ गया इसे, सब इच्छा का कमाल है। बोलो शिव जी की जय। आप ठीक है जी? ममता जा, इन दोनों के लिए पानी ले आ। जी दादी जी। इच्छा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। छोरी संभाल कर जाना और जल्दी वापस आना, आज मैं थारे वास्ते अपने हाथों से मसाले वाला दूध बनाऊंगी। संभाल के जा। आराम से। छोरी तू ठीक है ना? थारा नाम क्या है? दिव्या। अच्छा।
इच्छा, इच्छा तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो अपनी, बात करो मुझसे इच्छा। इच्छा ये क्या हो रहा तुम्हें? इच्छा, इच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है इसे देखिए ना। इच्छा उठो बेटा, आंखें खोलो। वाकू पानी ले आ। इच्छा, इच्छा, इच्छा आंखें खोलो बेटा। ये लीजिए। वाकू तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानी नहीं। सिपली, जहर फैलता जा रहा है, इसकी जान को खतरा है। अब इसका इलाज यहां नहीं हो सकता, इसे अभी के अभी नागिस्तान ले जाना होगा। हाँ, चलिए। अरे शेषु जी, सिपली जी, अरे मेरी बात तो सुनिए। है नागोमी देव, ये कैसा धर्म संकट है? इच्छा को रोक नहीं सकता क्योंकि उसकी जान खतरे में है, और जब घर वालों को पता चलेगा कि इच्छा फिर से गायब है, कहर मच जाएगा। लो, हो गई शुरुआत। इच्छा, पप्पल ये तो बाल की खाल निकालेगा। इच्छा तुम ठीक हो ना? कमाल है, ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? देख रहे हो भाई, इच्छा ने अपने कमरे के बाहर बॉडीगार्ड रखा है। क्या भैया, आप भी क्या? ओ तो इसमें गलत क्या है? जो देखो इसे इच्छा के कमरे के बाहर टहल रहा होता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सब समझ रहे हैं, सीधे शब्दों में इसे कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। हाँ तो बॉडीगार्ड भाई, इच्छा से बोल दरवाजा खोले, हमें उसका शुक्रिया अदा करना। वादा? अरे हमें कोई वादा वादा ना करना इच्छा से, हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना है। मैं भी वही बोल रहा हूं भाई। इच्छा, इच्छा दरवाजा खोल। खोल भाई। अरे इच्छा दरवाजा खोल। अरे ये इच्छा दरवाजा क्यों ना खोल रही है? भाई मुझे लगता है उसकी तबीयत बिगड़ गई है। भैया आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना? मुझे भी। भैया एक काम करते हैं, ये दरवाजा तोड़ ही देते हैं। तेरी इच्छा हो या ना हो, तुझे तो इच्छा बनना ही है। चल बेटा वाकू, हो जा शहीद। ऐ नागोमी देव, बस एक कृपा करना, उस बप्पल को मेरा हाथ पकड़ने की बुद्धि मत देना। बजरंग बली की जय। इच्छा तुम कैसी हो, और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? ये लो, मुझे तो इसके हाथ पकड़ने से दिक्कत थी, इसने तो कंधा पकड़ लिया। इच्छा बोलो ना। अरे कब से आवाज दे रहे थे? जरा आंख लग गई थी। किसको? हाँ? किसको? भैया आंख लगी थी मतलब ये सो रही थी। चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? यही हमारे लिए बहुत है। अब मुझे सोना है। हाँ? और ठीक होने के लिए? हाँ तुम आराम करो, ठीक है? चलो भैया एक मिनट। अच्छा तुमने तो कोई और ड्रेस पहनी थी, तो फिर ये ड्रेस कैसे? हाँ अब मैंने ड्रेस बदल दी। वो क्या है ना, मैं वो ड्रेस पहनकर सोती हूँ तो मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं। क्या सपने और ड्रेस का क्या रिश्ता है? अरे बहुत घना रिश्ता है छोटे। तूने फिल्मों में ना देखा, हीरोइन अपने सपने में एक ही गाने में कितनी ड्रेस बदल लेती है। लेकिन भैया ये अरे छोड़ ना छोटे, तू मुद्दे की बात करने दे। इच्छा उस लड़की की जान बचाकर तूने हम सब पे बहुत बड़ा एहसान करा है, इस बात के लिए ना बहुत 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 थैंक यू। सबल भैया, थैंक यू कहने का एक मौका मुझे भी दीजिए ना। मतलब मुझे अब और आराम करना है, आप सब जाइए। थैंक यू। हाँ, अरे सुना ना, जाने के लिए बोल रही है। चलो चलो चलो। हाँ। इच्छा को आराम करने दो।
आज फिर बच गया। पता नहीं कब तक नसीब साथ देगा। कभी ना कभी तो है ना गोमिते बचा लेना। सिप्ली, इन पत्तों को कूट कर इसे पहला था। इससे शरीर में ठंडक बनी रहेगी, जहर का असर कम हो जाएगा और दर्द भी। और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? उस दर्द को कम करने का कोई इलाज है आपके पास? शांत सिप्ली, शांत। वैद्य जी की दी हुई दवा हमने इच्छा को पिला दी है। हल्की हल्की उसका असर होगा। जितना भी बाहरी जहर इसके शरीर में गया है वो सब उसे सोख लेगी और हमारी इच्छा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तो इस बार का इलाज है ना? कल को इच्छा ने फिर से कोई ऐसी हरकत की तब हम क्या करेंगे? एक बात कहूं? क्या? हम इच्छा को सब कुछ बता देते हैं। देखिए, इच्छा से आनी है, सब समझ जाएगी। और वैसे भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। नहीं सिप्ली, वो राज दुनिया का कोई भी राज मेरे लिए इच्छा से बढ़कर नहीं है। जैसे ही इच्छा होश में आती है मैं इसे ये चाबी दे दूंगी और उससे कहूंगी इससे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज जुड़ा है। अपने जज्बातों पर काबू रखो सिबली। तुम अच्छी तरह जानती हो हम ये चाबी इच्छा को नहीं दे सकते हैं। अनर्थ हो जाएगा सिबली।